हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है सिलेक्शन मेंटर और मैं अंकुर शर्मा एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ। आज है 13 अगस्त 2019, तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे पहले के, लाइक 12 अगस्त के या 11 अगस्त के, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और ये होगा आपका डोज नंबर वन। तो ऐसे ही डेली डेली बेसिस पे डेली वीडियो आती रहेगी एक करके, और वीकली बेसिस पे हम लोग आपका एक टेस्ट रखेंगे जिसमें फुल लेंथ यानी कि 7 के 7 दिन में हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा उसका पूरी तरीके से लाइव टेस्ट के रूप में आपसे रखा जाएगा। तो ये वीडियो अपलोडेड है, तो आप इस वीडियो को स्पीड से देखें, अच्छे से देखें और नोट्स बनाएं अपने। वीडियो की अगर PDF की बात करें जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है, और मैं वीडियो के अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रहता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर टेलीग्राम पे आप सिलेक्शन मेंटर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिनेश कुमार खारा के कार्यकाल की अवधि 2 साल बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, वह निम्न में से किसके प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवारत हैं। तो प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको बताना है वो किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश कुमार खारा। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दिनेश कुमार खारा को कितने इयर्स को का जो टेन्योर है वो एक्सटेंशन मिला है, कितने सालों का बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पे 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि इसका क्या आंसर है। और सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो दिनेश कुमार खारा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उसके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुला अंशुला कांत अंशुला कांत। बाकी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है यहाँ पे रजनीश कुमार। ठीक है, तो चेयरमैन है यहाँ पे रजनीश कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना था कि दिनेश कुमार खारा जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और 2 साल का उन्हें एक्सटेंशन मिला है, और बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो गूगल करके कमेंट पर जरूर लिखें आप। अगला सवाल है, निम्न में से कौन फोर्ब्स टॉप पेड महिला एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर है। तो जो बेस्ट पेड या टॉप पेड महिलाएं हैं, एथलीट हैं और महिलाएं हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की गई है, फोर्ब्स का आपको पता होगा मैगजीन है, तो इसका सही जवाब है सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए जब इतना है तो फिर इंडिया में कौन टॉप पे है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सेरेना विलियम्स की अगर इनकम की बात करें तो 29.2 US मिलियन डॉलर यहाँ पे क्या है उनकी इनकम है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में 13वें नंबर पे आई हैं PV सिंधु। ऑल ओवर वर्ल्ड में 13वां नंबर है किसका, PV सिंधु का। इसका मतलब इंडिया में नंबर 1 पे कौन है, PV सिंधु, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स टॉप पेड 15 महिलाएं। टॉप 15 महिलाओं की अगर बात करें तो PV सिंधु 13वें नंबर पे हैं, और इनकी इनकम की अगर बात कर लें तो वो 5.5 मिलियन US डॉलर है। कितना, 5.5 मिलियन US डॉलर है, और सेरेना विलियम्स 29.2 मिलियन डॉलर है। अच्छा, एक नाम यहाँ पे लिखा है सिमोना हेल्प लिखा हुआ है, कौन है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक लगातार सेरेना विलियम्स, अगर विवलंडन की बात करें तो लगातार विजेता थी सेरेना विलियम्स, लेकिन इस बार क्या हुआ, तख्ता पलट गया है, सिमोना हेलप्स बन गई है यहाँ पे विवलंडन की विजेता। तो टेनिस के जो विवलंडन होता है वहाँ पे, उसकी विजेता कौन है इस बार 2019 की, और उसका नाम है सिमोना हेलप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस मंत्रालय ने रोजगार समाचार का ई संस्करण लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने जो रोजगार समाचार होता है उसका ई संस्करण का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको वो पब्लिश करेंगे, और उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला काम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम, ये ब्रॉडकास्टिंग और इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही कर सकती है। अगर हम इसके मिनिस्टर की बात करें तो आप कहेंगे कि प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है, यहाँ के मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ चुका है स्कीम के तहत, और ये क्या है कि किस राज्य सरकार की बात की गई है कि जिसने गवर्नमेंट कॉलेजेस में शिक्षा व्यवस्था की सुधार करने के लिए रेस नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो कौन सी सरकार ने, या फिर किस स्टेट में ये रेस नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और रेस क्या है, क्यों लागू किया गया, और
गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, ये तो क्लियरली ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान गवर्नमेंट ने ये शुरू किया गया है। अगर हम रेस की फुल फॉर्म की बात करें और क्या है, तो हमें फुल फॉर्म से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एफिशिएंस एक्सीलेंस विद एक्सीलेंस। मतलब क्या है कि रिसोर्स असिस्टेंट, देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, सबसे पहला रिसोर्स तो उसके टीचर होंगे, ठीक है। ये किसी गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज की बात करते हैं तो उसकी फैकल्टीज़ सबसे पहला उसका रिसोर्स है, उसके बाद बाकी मूवेबल आइटम्स या इमूवेबल आइटम्स। तो क्या कर रहा है यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कीम जारी की है रेस, इसमें जो भी उसके रिसोर्सेज होंगे कॉलेजेस में तो उसको वो एलोकेट कर सकता है मूवमेंट बेसिस पे, कि मतलब एक टीचर को यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, है ना, डेप्यूटेशन पे कि वहाँ ज़रूरत है तो इस टीचर को वहाँ भेज दिया, या कोई आपके प्रोजेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हो गए, तो मतलब वो उनको रिसोर्स का असिस्टेंस करेंगे, एलोकेशन करेंगे और कॉलेजेस में विद एक्सीलेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रेस स्कीम याद रहेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसमें क्या होगा कि शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पे सुधार आएगा। तो राजस्थान के यहाँ पे सीएम और गवर्नर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आप ये सीरीज़ मेरी फॉलो करना चाहते हैं आगे तक, तो ये क्वेश्चंस के जवाब आपको मेरे साथ बढ़ते चलना चलना पड़ेगा आगे लगातार, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद किसे कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है, और सही जवाब है सोनिया गांधी। तो आपको पता है राहुल गांधी ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अभी सोनिया गांधी को इंतरिम चीफ यहाँ पे चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं कि 12 अगस्त विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और उसका सही जवाब आएगा आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। सो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, जो आपके एग्जाम में भी आया था अभी IBPS के एग्जाम में, कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। और इस दिन विवेकानंद जी का यहाँ पे बर्थडे भी है। तो यहाँ पे थीम की अगर मैं बात कर लूँ, तो इसकी थीम होगी अंतर्राष्ट्रीय युवा डे की ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम एक बार रिवीजन भी करेंगे, क्विक रिवीजन सारे क्वेश्चंस का। सो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल पर लिखी पुस्तक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग का किसने विमोचन किया, विमोचन मतलब किसने रिलीज की है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज में मत जाइए, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, आप बस क्वेश्चन की थीम को समझिए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो अमित शाह ने यहाँ पे इसको रिलीज़ किया है चेन्नई में। और इस किताब के अंदर की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एम वेंकैया नायडू के 2 सालों में जो 330 पब्लिक मीटिंग की गई है, उनका यहाँ पे विवरण है, ठीक है। तो 330 पब्लिक मीटिंग का यहाँ पे विवरण है। अमित शाह ने इसको विमोचन किया है, रिलीज़ किया है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने अपने आप में बन जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चमोली जिले के माड़ा गांव को हेरिटेज विलेज बनाने के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कि ये चमोली जिला जो है वो कौन से राज्य में आता है। तो चमोली जिला आता है, पता होगा सबको, उत्तराखंड में चमोली जिला है, ठीक। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो सीएम और गवर्नर, चलिए मैं ही बता देता हूं इसके, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पे सीएम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पे सीएम है, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, बेबी रानी मौर्या, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उत्तराखंड आपको याद हो गया होगा, बेबी रानी मौर्य। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से स्पीड के साथ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला युवा बल्लेबाज बन गया। तो वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की गई है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे शुभनाम गिल। क्या नाम है, शुभनाम गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल 296 बनडे खेलकर सबसे ज़्यादा बनडे खेलने वाले कौन से नंबर के वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर बन गए हैं। मतलब वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स की अगर सूची की बात की जाए, तो उसमें जो आपके हैं क्रिस गेल,
उन्होंने 296 वनडे खेले, तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि इन्होंने अब तक कितने वनडे खेले हैं। ठीक, तो ये तो होता है कि ये वनडे बढ़ते रहेंगे, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आया कितने वनडे खेले, बट यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये हैं पहले नंबर के। इसका मतलब है कि ये टॉप पे हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाले। इससे पहले अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 295 वनडे खेले हैं ब्रायन लारा ने। सो ब्रायन लारा ने यहाँ पे 295 वनडे खेल के, यानी इनको इन्होंने इसको सरपास कर लिया। तो वेस्ट इंडीज़ के यहाँ पे खिलाड़ी हैं और क्रिस गेल, और ये पहले नंबर के बन गए 296 वनडे के साथ। अगला सवाल आपके सामने है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पर प्रतिबंध लगाया, और सही जवाब है चाइना की कंपनी हुआवे। हुआवे पर प्रतिबंध लगाया है चाइना की कंपनी पे, क्योंकि क्योंकि अमेरिका का यहाँ पे चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। और भी अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल ने इसके साथ रिलेशन ख़त्म किए हैं, किसके साथ, हुआवे के साथ। तो जो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं लाइक यूट्यूब या फिर गूगल अपने आप में और या प्ले स्टोर या गूगल एंड्रॉयड, तो यानी कि सब कुछ बैन कर दिया हुआवे के लिए। यानी हुआवे के जो भी फ़ोन आएंगे आगे गूगल का, उसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन था, पिछले महीने की न्यूज़ है ये। और अभी ताज़ी न्यूज़ खबर आई है कि अमेरिका ने इस हुआवे के साथ यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है हुआवे कंपनी में। चले हुआवे, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, विश्व तीरंदाजी ने यानी कि वर्ल्ड आर्चरी ने किस देश की तीरंदाजी को निलंबित कर दिया है? तो कौन से देश की तीरंदाजी को निलंबित कर दिया है वर्ल्ड आर्चरी ने? तो इसका सही जवाब है इंडिया। तो इंडिया जो आर्चरी है, बोल सकते हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। और शायद 18 अगस्त और 25 अगस्त के बीच में स्पेन में कोई एक यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होनी है, सिर्फ वो आपकी आखिरी प्रतिस्पर्धा होगी आर्चरी के क्षेत्र में। तो अभी बैन लगा दिया गया है फिलहाल, तो किस देश पे लगाया गया है, वो है इंडिया। इंडिया पे यहाँ पे बैन लगाया किसने, वर्ल्ड आर्चरी ने। अगला सवाल है, हाल ही में विकसित दुनिया के सबसे पतले सोने का नाम क्या है? क्या नाम बताना है, कितने सबसे पतला सोना जो है उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम है, सबसे पहले तो बता दें कि सबसे पतला सोना की यहाँ पे कितनी थिकनेस है, वो है 0.47 नैनोमीटर। क्या है, नैनोमीटर। तो ये तो बात क्लियर है कि माइक्रो नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, एटम नहीं होगा, मिनी नहीं होगा, तो नैनो सीवीड यानी कि समुद्री सवाल, नैनो सीवीड यहाँ पे क्या है, उसका सही जवाब है, और 0.47 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मानित किया गया है? तो चार नाम है, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, मीरा कुमार, ओम बिरला। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है, हर 4 साल में दिया जाता है, और वो मिला है प्रणब मुखर्जी जी को। आपको कमेंट सेक्शन में, अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ज़रूर बताना है कि बाकी और कौन लोग हैं और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनको मिला है भारत रत्न। अगर ये वाला कमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, तो मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और मैं बताऊँगा कि ये लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और टिल एंड दे वॉच द वीडियो। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन बहुत जल्दी से हम लोग करेंगे, 2 मिनट में 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 2-3 मिनट में। सो दिनेश कुमार खारा जो हैं वो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, 2 साल की इसमें अवधि उनकी और बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। आगे बढ़ते हैं, निम्न में अगर फोर्ब्स की टॉप बेस्ट पेड एथलीट महिलाओं की बात करें, तो नंबर 1 पे सेरेना विलियम्स हैं और नंबर 13वें पे पीवी सिंधु हैं $5.5 मिलियन के साथ, और सेरेना विलियम्स के $29.2 मिलियन। इसमें बोला गया कि ई संस्करण लॉन्च किया है रोजगार समाचार का, तो वो है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला सवाल है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए रेस स्कीम जारी की गई है, नाम है रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर कॉलेज विद एक्सेलेंस। मतलब जो रिसोर्सेज हैं कॉलेजेस के, उसका एलोकेशन या फिर उसका असिस्टेंस अच्छे से किया जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे शुरू हो सकता है उस इमोबाइल आइटम्स का या फिर फैकल्टीज़ का डेप्यूटेशन बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये राजस्थान की स्कीम थी। कांग्रेस में अब सोनिया गांधी को बना दिया है वर्किंग प्रेसिडेंट। अगला है कि 12 अगस्त क्या है, नेशनल इंटरनेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे कब होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, तो अमित शाह जी ने इसको रिलीज़ किया है, और ये 330 पब्लिक मीटिंग बाय
वेंकैया नायडू जी पे रिलेटेड है। अगला सवाल है कि चमोली जिला कहाँ पे है, वो है उत्तराखंड। और इसके डीप में बात करें तो इसके माड़ा जी गाँव को विलेज को विलेज हेरिटेज विलेज बनाने के लिए 4 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अगला है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल, दोहरा शतक लगाने वाले। और वेस्ट इंडीज़ के 296 वनडे खेलकर नंबर वन पे पहुंच गए हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर। यहाँ पे आपके क्रिस गेल। तो अगला सवाल है, हुआवे को बैन कर दिया यूएसए ने, और इससे पहले गूगल ने भी यहाँ पे उसको संबंध उसके साथ तोड़े थे। और ये वो है चाइना के साथ चलते ट्रेड वॉर के ऊपर, विश्व यानी वर्ल्ड आर्चरी ने इंडिया आर्चरी को, एसोसिएशन ऑफ इंडियन आर्चरी को यहाँ पे बैन कर दिया है। तो अगस्त के बाद कुछ कुछ भी वो प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाले। अगला है कि दुनिया में सबसे पतले सोने की बात की गई है और ईजाद हुआ है, तो उसका नाम है नैनो सीवी, उसकी चौड़ाई है, थिकनेस है 0.47 नैनो मीटर। अगला सवाल है, किसे भारत रत्न सम्मानित किया गया है, और वो हैं आपके प्रणब मुखर्जी जी। बाकी के दो नाम आपको बताने हैं, और वो किस क्षेत्र से संबंधित है वो भी आपको ज़रूर बताना है। और आगे आपको ये सीरीज़ अगर आपको चालू रखनी है, कंटिन्यूस रखनी है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने फ्रेंड्स में ये शेयर करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने 10 फ्रेंड्स में आप इस चीज़ को बताएं और उनको बोलें कि ये चैनल पे यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, वी आर डूइंग सम गुड एफर्ट्स। एंड आपके लिए IBPS PO की तैयारी के लिए फुल प्रूफ वीडियो कोर्स यहाँ पे जारी किया जा रहा है फ्री में, और NTPC की तैयारी के लिए हम प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे पूरी तरीके से। तो वो 16 अगस्त से यहाँ पे वीडियोस यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी विद PDF। प्रीवियस ईयर पे NTPC पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट पे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।